नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप देवी कुष्मांडा की पूजा का विधान है। देवी दुर्गा के सभी स्वरूपों में माँ कुष्मांडा का स्वरूप बहुत ही तेजस्वी है। माँ कुष्मांडा सूर्य के समान तेज वाली है। अपनी मंद हंसी द्वारा संपूर्ण कुष्मांडा को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। माँ कुष्मांडा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है और जीवन में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है। ऐसे में चलिए जानते हैं माँ कुष्मांडा की पूजा विधि के बारे में। कैसा है माँ कुष्मांडा का स्वरूप? माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा भी कहा जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। वही 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। माँ कुष्मांडा को कुम्हाड़ी की बलि अति प्रिय है और संस्कृत में कुम्हाड़ी को कुष्मांडा कहते हैं, इसलिए माँ दुर्गा के स्वरूप को कुष्मांडा कहा जाता है। वही अब आपको बताते हैं कि माँ कुष्मांडा की पूजा विधि क्या है, आप कैसे पूजा करें, किन किन सामानों का इस्तेमाल करें, ये जानकारी भी आपको देते हैं। माँ कुष्मांडा की पूजा विधि। सुबह स्नान आदि के बाद माता कुष्मांडा को नमन करें। माँ कुष्मांडा को जल पुष्प अर्पित कर माँ का ध्यान करें। कहा जाता है कि यदि कोई लंबे समय से बीमार है तो माँ कुष्मांडा के विधि विधान से की गई पूजा उस व्यक्ति को अच्छी सेहत प्रदान करती है। पूजा के दौरान देवी को पूरे मन से फूल, धूप, गंध और भोग चढ़ाएं। चौथे नवरात्रि में देवी माँ को मालपुई का भोग भी लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद को किसी ब्राह्मण को दान करें। आखिर में अपने से बड़ों को प्रणाम कर प्रसाद वितरित करें और खुद भी प्रसाद ग्रहण करें।